क्यों फूलता है, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लेके, उनको पेट का प्रॉब्लम रहता है, पाचन शक्ति का प्रॉब्लम रहता है, पचन नहीं होता है, भूख लगती नहीं है, कब्ज लगते हैं या बहुत ज़्यादा लेटरिन लगती है, पेट फूलता है। तो ऐसे लोगों को हम कुछ बताते कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए, इसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया कि कौन सी गलती नहीं करना चाहिए जिससे पेट फूलेगा नहीं। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस तरह के कंटेंट लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यदि आप हमारा उत्साह बढ़ाते हैं तो हम इस तरह के और वीडियो ला सकते हैं। तो आपने जरूर सब्सक्राइब करने का है, लाइक करने का है, ताकि हमारा उत्साह बढ़ते रहता है। तो आज बात करने वाला हूँ मैं कि कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए जिससे अपना पेट फूलेगा या नहीं फूलेगा। तो नंबर एक, क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है पेट फूलने के ऊपर, हमारा खान पान। खाने पीने में हम यदि कंट्रोल करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तो क्या है कि तला भुना जो है बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा फ्राइड जो है हम खाते हैं, तो उससे बहुत पेट में फूलन सी होती है या फूल जाता है। वैसे रस्सेदार सब्जियाँ बहुत तेल वाली, बहुत रस्से वाली और बहुत तीखी सब्जियाँ जब हम खाते हैं तो उससे भी बहुत पेट फूलता है। इसके साथ साथ चना, बेसन, राजमा, मैदा, छोले, ये जो है ये पदार्थ जो है इससे भी बहुत ज़्यादा पेट फूलने की शिकायत होती है। स्पेशली बेसन तो इसमें डॉक्टर लिख देते हैं, हम तो इसमें लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में कि भाई बेसन वाली चीज़ें अवॉइड करो, मतलब भजियाँ, फिर आलू बोंडा, बटाटे वड़ा, बेसन के लड्डू, बेसन की बड़ी, ऐसा ये सब अवॉइड करना चाहिए बेसन का। बासी खाना, लोग बोलते हैं कि भाई कल रात को खाना बचा हुआ था, चलो आज बासी खाना खा लेंगे, तो उससे पेट में फूलन होती है। फिर खाने के बाद तुरंत ही सोते हैं आप, तो क्या होता है कि इस खाने के बाद में कम से कम 3 घंटे बाद में आपने सोना चाहिए। ज़्यादा समय तक आप यदि भूखे रहे तो भी गैसेस ज़्यादा बनती है। वैसे ही हमारे शरीर में यदि हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन हुआ है हार्मोन्स का, तो उससे भी ज़्यादा गैसेस बनती है। स्ट्रेस और टेंशन लेना, तनाव लेना, क्या होता है कि स्ट्रेस लेते हैं आप, तनाव लेते हैं, तो उससे क्या होता है कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है, एड्रेनालिन ज़्यादा सिक्रेट होता है, और उससे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है और ज़्यादा गैसेस तैयार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आइटम है कब्ज। जब ज़्यादा कब्ज होती है आपको, तो डेफिनेटली आपने मतलब ये गैसेस होती है और कब्ज के लिए आपने इलाज करना चाहिए। मेरा एक दूसरा वीडियो है कि जिसमें मैंने कब्ज के बारे में बताया हुआ है कि कब्ज का इलाज कैसे करना चाहिए। तो जब ब्लोटिंग होता है ना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग बोलते हैं, पेट एकदम फूल जाना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, ऐसा बहुत फुला फुला सा, ऐसा बहुत मोटा सा लगता है पेट, कोई काम में मन नहीं लगता, रेस्टलेसनेस होता है, इधर से उधर, उधर से इधर आदमी करता है, पेट में जलन होती है, घबराहट होती है, सर दर्द, कमजोरी लगती है, गैस निकलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बदबू वाली गैस निकल जाती है, आवाज़ करके गैस निकल जाती है, और फिर बहुत ही शर्मिला जैसा हमको महसूस होता है। वैसे गैस बनने से या पेट फूलने से कोई प्रॉब्लम है क्या, सीरियस है क्या? नहीं, वैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मगर दो लक्षण यदि है तो वो सीरियस हो सकता है। नंबर एक, यदि वो व्यक्ति को बुखार आ गया, तो बुखार आ गया और उसको उल्टियाँ हो रही है, तो डेफिनेटली फिर देखना चाहिए भाई क्या हो रहा है, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह आपको लेनी पड़ेगी। नंबर दो, पेट फूला हुआ है और कब्ज है, 3 दिन से ज़्यादा वो लेटरिन को गया नहीं है, या लेटरिन को गया हुआ है तो उसमें थोड़ा खून आता है या काले रंग की लेटरिन होती है, तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह इसमें लेना चाहिए। मेरे पास में काफ़ी सारे लोग इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के लिए आते हैं, गैसेस के लिए आते हैं, एसिडिटी के लिए आते हैं, उनको सबको दवाई देकर ठीक करते हैं। हम उनको ये सलाह देते हैं कि भाई आपने गलतियाँ कौन सी नहीं करना चाहिए, ये जो गैस है इसके लिए। एक तो क्या है कि सोने के 3 घंटे पहले खाना बंद, मतलब खाना जब खाना है रात का, तो सोने के 3 घंटे पहले ही खाना है, 3 घंटे के अंदर खाना खाने का नहीं है। खाना खाने के समय पानी नहीं पीने का है, 40 मिनट पहले पानी पी लो, 40 मिनट बाद में पानी पी सकते हैं। खाना खाने के समय पानी नहीं पीना, जब आप खाना खाने के समय पानी पीते तो काफ़ी सारी गैस अंदर जाती है। उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं जिनको गैसेस है, दही में बहुत गैस बनती है, दही, छाछ, फिर चाट, पकौड़े, गोलगप्पे, समोसे, भजियाँ, मिर्च वाले पदार्थ, तेल, जंक फूड, सब ये बंद करना चाहिए।
यदि बंद कर दे तो काफ़ी सारा फर्क गैस में पड़ जाएगा। फिर भी इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि ये पूरा रोकना, एक तो जो मैंने बताया वो नहीं खाना, नंबर दो चलना 40 से 45 मिनट यदि आप वॉक करते हैं, चलते हैं, तो गैसेस कम हो जाएंगे और गैसेस के ऊपर बहुत ही प्रभावी उपचार है। आप सोडा पाउडर ले सकते हो, सोडा जो मिलता है ना खाने का सोडा, तो उसको एक ग्लास में आधा चम्मच सोडा डालो और पी लो तो ढकार आ जाएगी और गैस निकल जाएगी। पेट सेक सकते हैं आप, पेट सेक दिया थोड़ा बाहर से तो अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ दवाइयाँ कि जो हमारे हमारे जो आंत है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी मूवमेंट को जो फास्ट कर देता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है उसको जरा स्पीड से बढ़ा देता है, ऐसी दवाइयाँ यदि लेते हैं तो डेफिनेटली गैसें जल्दी निकल जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो यदि करके नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, तुरंत आपके डॉक्टर के पास चले जाना है, सलाह ले लो, क्योंकि नहीं तो पेट फुला है, चलता है चलता है, ऐसा मत निकालो आंग पे, डॉक्टर की सलाह लेना है। बहुत ही ज़्यादा यदि पेट फुला हुआ है, हो सकता है कि आंत अंदर से फूट गई हो या ट्विस्ट हो गई हो या कुछ भी हो सकता है अंदर, तो ज़्यादा देर तक ना रुकते हुए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, आपके डॉक्टर के पास में जा सकते हैं। जरूर वीडियो को शेयर करो, आपके परिवार का ख्याल रखो, आपका भी ख्याल करो, क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हो। थैंक यू वेरी मच।